हेलो, कंटिन्यू करता फ्लिप करता चैप्टर को, ठीक है। लास्ट टॉपिक है क्या? लास्ट टॉपिक रह गया दो चीज़ें पूछ कि लोग सब राजस्थान में रिलेशनशिप क्या है और डिफरेंसेस क्या है। पढ़ते हैं जरा। रिलेशनशिप बिटवीन बोथ दी हाउसेस कन्फाइंड टू देयर पावर, बिकॉज़ रिलेशनशिप जो है उनकी पावर तक लिमिटेड है। एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले कि राज्यसभा के पास सिर्फ सेकंड राज्यसभा एक सेकेंडरी रोल प्ले करता है विज़ा लोकसभा इन ऑल एस्पेक्ट। विज़ा विज़ का मतलब होता है इन रिलेशन टू अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बस कह रहा है कि राज्यसभा का अगर हम कंपेरिजन करें लोकसभा से, तो राज्यसभा के पास एक सेकेंडरी रोल होता है। पहले लोकसभा के बाद आती है राज्यसभा, ठीक है। ऑल एस्पेक्ट से किसी भी मैटर की बात कर लो, ठीक है। इट इज़ वीक हाउस इन लेजिस्लेटिव, ये वीक है थोड़ा सा। अगर हम लेजिस्लेटिव की बात करें, फाइनेंशियल बात करें, प्रोसीजर की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें, इन मैटरों में थोड़ी वीक है, ठीक है। इन केस ऑफ डिफरेंसिस बिटवीन बोथ दी हाउसेस, अगर हम डिफरेंसिस की बात करें, तो डिसीजन ऑफ द लोकसभा प्रिवेल, जो लोकसभा का डिसीजन होता है वो प्रिवेल करता है। प्रिवेल मतलब क्या? यही माना जाता है, यही ऊपर रखा जाता है, ठीक है। एट टाइम्स अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ दी हाउसेस मे बी कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस। कभी कभी बहुत बार जॉइंट सेशन बुलाए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा कि आप अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करो, बट हेर ऑल्सो, बट वहाँ पर भी जो लोकसभा की वर्डिक्ट होती है ना, वो प्रिवेल करती है और प्रेडिक्ट करती है ड्यू टू इट्स मोर देन डबल स्ट्रेंथ, उनकी डबल स्ट्रेंथ की वजह से, ठीक है। ये बेसिक कंपेरिजन चार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस डिफरेंस हम पढ़ेंगे, डिफरेंस हम कैसे पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस है ना, हम बेसिस के बेस पर ही पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है क्वालिफिकेशन, दूसरा पॉइंट है टेन्योर, दूसरा पॉइंट है कैसे इलेक्ट होते हैं, दूसरा नॉमिनेशन के रूल्स हैं, तीसरा मैक्सिमम नंबर है, तीसरा प्रेजिडिंग ऑफिसर कौन होता है, उनकी पावर सोर्सेस क्या है उन हाउसेस में, और उनके कॉमन पावर्स क्या है ये, ठीक है। तो कॉमन इसलिए कॉमन बॉक्स में आया है, ठीक है, ध्यान है। तब देखो बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यहाँ पर भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सेम था, ठीक है। मिनिमम 25 ईयर्स, यहाँ पर 25 ईयर्स था, यहाँ पर 30 ईयर्स से आपकी कंडीशन दी हुई थी। मिनिमम 25 था यहाँ पे, वहाँ पे मिनिमम 30 था, मिनिमम 30 था वहाँ पे, ठीक है। उसको ऑफेंडर क्लेम नहीं कर देना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कंडीशन थी, वहाँ पे ऐसी कंडीशन थी नहीं। ही ऑल्सो शुड हैव हिज नेम ऑन द इलेक्टोरल फ्लैट, इलेक्टोरल लिस्ट, उनका लास्ट लिस्ट में नाम होता है, इनको वहाँ पे लिस्ट में नाम होने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ही और शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना, वहाँ पे ऐसी कंडीशन लेनी पड़ेगी। पहला पॉइंट थोड़ी क्या, उनके क्वालिफिकेशन का जब आपको याद होंगे तब यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। वो क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिख दी गई है, ठीक है। सीधे टेन्योर का 5 ईयर्स तक का होता है, इनका सिक्स ईयर तक होता है। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे इसको हम डिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जब वो है ना, और उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कह रहा है यहाँ पे आप ऐसा तो कुछ है नहीं डिजॉल्व डिजॉल्व करने का, समय पता है कि वन थर्ड जो है ना, वो हर 2 साल में क्या होती रहती है, रिटायर होते रहते हैं, हर 2 साल में वो वन थर्ड आते भी रहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है मेथड ऑफ इलेक्शन, इनका इलेक्शन कैसा, ये डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द एडल्ट सफरेज सफरेजन, यानी एडल्ट फ्रेंचाइज, 18% लोगों से वोट के थ्रू इलेक्ट होते हैं। ये इनडायरेक्टली होती है, ये कैसे होते हैं, इनडायरेक्टली बाय द ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, है ना, असेंबली, टू रिप्रेजेंट द रेस्पेक्टिव स्टेट्स और टेरिटरीज। यहाँ पे था कुछ नहीं, जो पुराना कुछ पढ़ा था वो यहाँ पे लिखना है। नॉमिनेशन यहाँ पे नंबर था, प्रेसिडेंट तो यहाँ पे नंबर याद रखने हैं सर। यहाँ पे लोकसभा में दो लोग वो क्या कहते हैं नॉमिनेट कर देते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अगर वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं कर तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कितनी है, 12 है। यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 12 है, ठीक है। जो अपने अपने फील्ड में क्या है, एक्सपर्ट है बेसिकली। मैक्सिमम नंबर पीपल यहाँ पे 530 था, यहाँ पर 5, यहाँ पर 238 है, ठीक है। यहाँ पे कैसा था, नहीं यहाँ पर टोटल बेस 535 स्टेट था, 24 10 है, कहाँ से दो नॉमिनेशन वाले थे, टोटल 550 होते हैं, और यहाँ पर टोटल कितने, 250, 250 इलेक्ट होते थे, 5 12 नॉमिनेट होते थे, ठीक है। यहाँ पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता था, यहाँ पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होता है, ठीक है। और ये चेयरमैन कौन होता है, बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मनी बिल्स कैन ओरिजिनेट ओनली इन दी लोकसभा, मनी बिल्स होते हैं केवल लोकसभा में आएंगे सबसे पहले,
लोकसभा अलोन कैन वोट अ मिनिस्टर आउट ऑफ ऑफिस और पासिंग नॉन कॉन्फिडेंस वोट। लोकसभा से तो किसी भी ऑफिस किसी मिनिस्टर को बाहर कर सकती है ऑफिस के, है ना, बाय पासिंग नॉन कॉन्फिडेंस वोट। हमें पढ़ा था इट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू टू डिक्लेयर इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एज ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस एंड रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन इट क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस इन नेशनल इंटरेस्ट। ये केवल अपने स्टेट के या अपने स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो ये इंपॉर्टेंट समझते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट से कि वो इसके ऊपर लॉ बनाए, ठीक है। और कह रहे हैं ऑल इंडिया सर्विस के ऑल इंडिया के लिए इंटरेस्ट के लिए कुछ नया भी कर सकते हैं, ठीक है। देखना पड़ता है कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन पावर्स क्या दोनों की, बोथ दी हाउसेज इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। बोथ दोनों हाउस मिलकर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स होती है अगेंस्ट प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और जिसके लिए, तो वो भी इन्हीं दोनों हाउसेज के थ्रू ली जा सकती है। नॉन मॉनिटरी नॉन मनी बिल्स दोनों में से किसी हाउस में आ सकते हैं। बोथ हाउसेज एक्सर्स कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, है ना, टू द लोकसभा अलोकेट बोर्ड ऑफ मिनिस्टर आउट ऑफ ऑफिस। देखो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर किसी को कंट्रोल करना है किसी एग्जीक्यूटिव के ऊपर तो वो दोनों हाउस कर सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कृषि मिनिस्टर को बाहर करने की पार्लियामेंट से, तो पावर तो अकेले केवल किसके पास है, लोकसभा के पास है। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। आपके क्वेश्चन बता दूँ, वाटर इंस्टीट्यूशन वो तीनों के नाम लिख देना, वो थ्री ऑर्गन है, ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूशन के डिफाइन देख के उनके तीनों के नाम लिख देना, तीनों के नाम लिखे लिखने हैं। वोटर स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा लिख देना, है ना, और आप है ना, और दो लोग 12 लोग इलेक्ट होते हैं, उससे हवा राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, लिख देना पूरा। टेन ऑफ राज्यसभा 6 ईयर्स, और ये डिजॉल्व हो सकती है, देख लेना, नहीं हो सकती, वैसे ही हटू वैसे ही हटते जाते हैं। मेजर टू पावर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, कोई भी दो पावर लिख देना उनके पॉइंट वैसे ही। मेजर टू बजट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा स्पीकर, 4 पॉइंट पावर हमने पढ़ी थी, दोनों दो लिख देना कोई भी दो। टेन ऑफ पावर लोकसभा 5 ईयर्स। मेंशन टू मेन सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑन द मेंशन द टू मेन सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, बता दूंगा बाद में मैं ये, अभी आप वाला करें, 9th वाला मेरे साथ पेंडिंग है अभी। मेंशन द पीरियड फॉर विच द फॉलोइंग बिल्स मे बी डिप्लॉयड बाय द राज्यसभा, ठीक है। मेंशन द पीरियड फॉर विच द फॉलोइंग बिल्स मे बी डिलेड बाय राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होता कुछ 2 वीक तक, कहीं पर 6 मंथ्स, ये आप देख के लिख लेना बुक में से। हु प्रेसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। हु डिसाइड्स वेदर द बिल इज अ मनी बिल और एन ऑर्डिनरी बिल, कौन डिसाइड करता है ये, कौन डिसाइड करता है ये, ट्राई करना खुद से गूगल करने वाला। अच्छा क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द लोकसभा, ओनली 2 है केवल, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, विद रेफरेंस टू राज्यसभा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ आर ये कैसे वाली की प्रश्न है, वाटर क्वालिफिकेशन ये भी आप लिख लोगे, टेनर भी आप लिख लोगे, सीधे सीधे क्वेश्चन पावर्स ऑफ फंक्शंस लिख सकते हैं। स्ट्रेंथ यानी वो 250 वो 552 है, ये लिख सकते हो, क्वालिफिकेशन लिख सकते हो, टेनर लिख सकते हो, पावर्स लिख सकते हो। राज्यसभा का टेनर होता है 6 ईयर्स, लोकसभा का होता है 5 ईयर्स, यूनियन डिस्ट्रिक्ट होते हैं 97 मैटर्स, कंफर्म डिस्ट्रिक्ट होते हैं 47 मैटर्स, सब्जेक्ट अब वोटर होता है 18 इस वाला। स्टडी केयरफुल एंड राइट स्टेटमेंट्स केयरफुल एंड राइट लोकसभा राज्यसभा एंड द गिवन, अच्छा कौन सा कम राज्यसभा करते हैं कौन सा कम लोकसभा, तो मैं ए लिखूंगा यहाँ पे आर लिखूंगा, ठीक है। द मेंबर्स इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं जो कहाँ से डिसाइड होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से। इट इज अ परमानेंट हाउस, कौन सा परमानेंट हाउस है राज्यसभा, द मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल सेंसस लोकसभा, मनी बिल कैन ऑलरेडी ऑनली इन द हाउस लोकसभा, ठीक है। आप इसको टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करा देना, बहुत इजी है, कर लेना, ठीक है।